इस वक्त की बड़ी खबर अशोकनगर से आ रही है, जहां अशोकनगर प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। प्रशासन की टीम ने प्राइवेट अस्पताल और पैथोलॉजी पर सख्त कार्रवाई की है। बता दें, प्रशासन ने कृषि सेवा केंद्र में चल रही पैथोलॉजी को सील किया है। यह अवैध पैथोलॉजी पिछले 2 महीने से चल रही थी। पैथोलॉजी पर ज्यादा फीस लेने का आरोप लगाया गया था। साथ ही अशोकनगर के जिलाधिकारी ने लोगों को सड़कों पर सैनिटाइजर बेचना बंद करने की भी समझाइश दी है। उसका रजिस्ट्रेशन नहीं चल रहा था, उस लैब को सील कर दिया गया। एक लैब में थोड़े से अनियमितताएं थी, उन अनियमितताओं के दौरान उसका जो कागज थे उनको सबको जब्त कर लिया गया है। उसके हिसाब से उसकी जांच की जाएगी और जांच के हिसाब से जो भी पनिशमेंट होगा वो। हॉस्पिटल को लेकर भी कुछ कार्रवाई की गई है? हॉस्पिटल में जाँच, हॉस्पिटल भी है, उसका भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। उसमें क्या क्या निकलता है, क्या क्या नहीं निकलता, उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई होगी। जो सैनिटाइजर बेच रहे हैं जगह जगह, इन पर जो सैनिटाइजर बेच रहे हैं उनको हिदायत दे दी गई है कि ये सैनिटाइजर नहीं बेचेंगे, मास्क बेच सकते हैं। सैनिटाइजर बेचने का कर्तव्य जो है केवल मेडिकल स्टोर को, कि इस चीज़ से केमिकल मेडिसिन। तो ये जो लैब वगैरह कार्रवाई, इन पर कोई FIR वगैरह भी होगी? इनके खिलाफ तो FIR ऑटोमेटिकली होगी, क्योंकि लैब सील की गई है, तो वैसे नहीं आप सील कर सकते।